शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के रतोईया नदी घाट के समीप एमबीआई के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दरअसल यह वाहन चेकिंग अभियान कोविड के दौरान बस मालिकों के द्वारा यात्रियों से मनमानी करते हुए अधिक किराया लेने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एमवीआई अर्चना कुमारी ने कहा कि लगातार कोविड के नाम पर बस चालकों के द्वारा यात्रियों से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत मिल रही थी। इस मामले पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें दो बसों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं दो ट्रक को भी ओवरलोडिंग में पकड़े जाने की बात एमबीआई ने भी कही है। साथ ही कहा है कि अभी जिले में लगातार वाहन चेकिंग चलाया जाएगा और यात्रियों से अधिक किराया वसूलने वाले बसों पर कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। परिवहन विभाग की तरफ से ये दो दिन से अभियान चल रहा है, कल भी चला था और आज भी चल रहा है। ये स्पेशल बसों के द्वारा जो भाड़ा बढ़ा कर लिया जा रहा है और बसों में जो ओवरलोडिंग चल रहा है, ये उसके विरुद्ध ये कार्रवाई चलता है कि शिकायत मिली थी, शिकायत मिल रही है। सर, पहले सर, से अधिक भाड़ा लोग बढ़ा कर ले रहे हैं। कार्रवाई हुआ है, अभी कार्रवाई जारी है। दो बस चलान हुआ है और इनके ऊपर परमिट कैंसिलेशन का भी कार्रवाई किया जाएगा। जी, कुछ ट्रक को भी लगता है कार्रवाई की, ट्रक पर भी कुछ कार्रवाई। हाँ, तो ट्रक भेजे हैं, ओवरलोडिंग में काटा कराया जा रहा है, अगर ओवरलोड निकलेगा तो उस पर चलान किया जाएगा। लगता है कोविड के नाम पर जो करा था, आधे उसी पर कार्रवाई। हाँ, अभी तो खैर सीटिंग कैपेसिटी फोन के हिसाब से ढोने का हो गया है, फिर भी लोग, लेकिन फिर भी बड़ा लोग अभी तक अधिक ही ले रहे हैं, कोविड के नाम पर ही ले रहे हैं। और लगातार अभियान चलेगा, अभियान चलता रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।